मेरा नाम दर्पण आनंद है, मैं फिनो पेमेंट्स बैंक में सीनियर डिविजनल हेड नॉर्थ हूँ। मेरे साथ मेरे कोलीग विशाल और चेतन भी हैं। बेसिकली आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हम गली गली बैंक की बात करने जा रहे हैं। फिनो जो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में एक बैंकिंग को अलग स्तर पर ले जाने जा रहा है, जहाँ पर आप जो बैंकिंग अपने पास के किसी भी किराना स्टोर, किसी भी मेडिकल स्टोर या किसी भी भारत पेट्रोलियम की आउटलेट पर कर सकते हो। हमारे साथ अगर आप खाता खोलते हैं तो 15 मिनट के अंदर आपको हम हाथों हाथ डेबिट कार्ड दे देते हैं, तो आपका जो खाता है वो 15 मिनट के अंदर खुल जाएगा और डेबिट कार्ड 15 मिनट के बाद आप किसी भी एटीएम पे यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप अपने पास के किसी भी किराना स्टोर में जिसके पास ये मशीन हो उसमें जाके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आपको पैसे डालने हैं, आपको पैसे निकालने हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और बैंक के खाता धारक भी हैं तो भी अगर आपको पैसे निकालने हैं तो ये हमारी माइक्रो एटीएम मशीन है, आप इस माइक्रो एटीएम मशीन में जाके पैसे निकाल सकते हैं। तो इसके इस माइक्रो एटीएम मशीन में जाके आप पैसे निकाल सकते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है कि जो कस्टमर है, हाँ ओके, इसमें से ओके, आपकी जो ट्रांजेक्शन है इस मशीन में होगी, जो भी मर्चेंट वहाँ पर होगा उसके वो आपको उतना कैश दे देगा। जैसे इसमें और एटीएम में सिर्फ एक ही फ़र्क है, एटीएम में पैसे जो है मशीन देती है, इसमें जो पैसे है वो आदमी देगा। ट्रांजैक्शन जो है वो आपके बैंक के लेवल पे होगी। हमारी इस समय जो हिमाचल में हमारी करीब 20 ब्रांचेज हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में, और करीब 5000 से ज़्यादा एजेंट्स हैं। इस साल का जो हमारा उद्देश्य है, हम इस 5000 एजेंट्स को 10000 तक ले जाने जा रहे हैं इन जगहों पर। जो भी इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं इस मशीन को लेने के लिए, हम उस मर्चेंट का पूरा KYC करते हैं, उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद ही वो ये मशीन ले सकता है। उसको हर एक ट्रांजेक्शन पे कुछ कमीशन मिलेगी, उसे खाता खोलने पे कमीशन मिलेगी, विड्रॉल पे कमीशन मिलेगी, डिपॉजिट पे कमीशन, तो उसके लिए एक अलग से इनकम का ज़रिया है अगर वो ये मशीन लेता है। क्या क्राइटेरिया? किस चीज़ के क्राइटेरिया सर? ओके, क्राइटेरिया ये है कि जैसे एक तो उसका KYC प्रॉपर, उसका आधार कार्ड वगैरह उसके पास होना चाहिए, प्लस वो उस जगह में कुछ समय से रहना चाहिए, और उनकी एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होती है, इट कैन बी ए पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट वो अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, बट हाँ वेरिफिकेशन के बाद ही हम किसी को एजेंट बना सकते हैं जो बैंकिंग गाइडलाइंस के हैं। आपका बैंक कितना? हमारा बैंक हमें 2 साल हो गए आए हुए। हाँ जी, फिनो पेमेंट्स की इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, आपने अभी इतना मार्केट में ग्रैब नहीं किया, मार्केट को मार्केटिंग के थ्रू इसका क्या? एडवर्टाइजमेंट जब हम लॉन्च हुए थे उस समय हमने कुछ एडवर्टाइजमेंट करी थी। हाँ, हमारा जो फोकस था वो उस समय ईस्ट और वेस्ट में ज़्यादा था। हमारी एक अच्छी सफलता हमें मिली, हमने करीब 1 लाख के आसपास मर्चेंट्स वहाँ बनाए। इस साल हम नॉर्थ में ज़्यादा फोकस करने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में, तो यहाँ पर अब हमारी एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी हम आगे देंगे। इस समय हमारे बैंक में करीब 8 से 9 लाख खाते खुल चुके हैं। अलग अलग तरह के सेविंग अकाउंट्स हैं, जीरो बैलेंस भी है, मिनिमम कुछ 1000 रुपये के साथ भी है, 5000, तो डिपेंड करता है, वो तो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, तो हर एक तरीके के खाते हैं हमारे पास। हाँ जी, नॉर्मल भी जीरो हैं। एक तो रख रखा है जीरो क्राइटेरिया। हाँ जी, जैसे मतलब किसी को क्राइटेरिया, तो ये क्राइटेरिया होगा उसका बेनिफिट कि उसको जीरो बैलेंस का खाता चाहिए। देखिए, हर एक खाते के साथ उसके कुछ एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं। अब जीरो बैलेंस का खाता है उसमें कुछ कम बेनिफिट हैं, अगर कोई 1000 रुपये खोलता है तो ज़्यादा बेनिफिट है, तो वो कस्टमर डिसाइड करता है। हमारे बैंक का कोई ओनर नहीं है, हमारे बैंक में स्टेक्स हैं। हमारा जैसे भारत पेट्रोलियम का स्टेक है करीब 25% के आसपास, भारत पेट्रोलियम, ICICI लोम्बार्ड, ICICI बैंक, वर्ल्ड बैंक, यूनियन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, ICICI, इन सब के स्टेक्स हैं हमारे बैंक में। तो हमारे बैंक का कोई सिंगल ओनर नहीं है, हम एज अ फिनो पेमेंट्स बैंक इन सब लोगों ने हमारे बैंक में पैसा डाला है। सेविंग अकाउंट्स के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिपेंड करता है 4% से लेकर 6.5% तक है। आपको लगता है सर, अगर आप देखेंगे तो बाकी बैंकों का भी इतना है, और कस्टमर अगर देखें
3% अगर आप PSU में जाते हैं तो वहाँ 3.5% है, कोई हाइडल है तो 7% है, इसी के बीच में सारे हैं। सर हम ट्रेडिंग नहीं करते, हमें अलाउड नहीं है। हम इंश्योरेंस कर सकते हैं कस्टमर को, हम इंश्योरेंस, यस हम इंश्योरेंस प्रोडक्ट देते हैं, नहीं वो हमारी थर्ड पार्टी इंश्योरेंसेस करते हैं। हम कस्टमर को एक्चुअली जो सर्विसेज दे रहे हैं वो हम उसको बेसिक बैंकिंग सर्विसेज देना चाहते हैं जो आज तक उसको मिल नहीं रही थी। नहीं सर, सर हमारा पंचकुला में फिजिकल प्रेजेंस है, बद्दी में फिजिकल प्रेजेंस है, हमारा झाड़माजरी में है, पर नहीं चंडीगढ़ में नहीं है, हमारा टारगेट सेगमेंट के हिसाब से है। सो हमारा प्लान जो है वन ब्रांच इन ए डिस्ट्रिक्ट एंड देन अपॉइंटिंग इन ए डिस्ट्रिक्ट देन अपॉइंटिंग मर्चेंट पॉइंट। हम चाहते नहीं हर डिस्ट्रिक्ट, जैसे अभी हम कांगड़ा में भी जाएंगे, हम हमारे हाँ एक ब्रांच होगा बट हमारे मर्चेंट पॉइंट। एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है कि हम आज भी ना बैंकिंग को सिर्फ ब्रांच से कंसिडर करते हैं, जबकि बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली जी आपने। हाँ नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे को जो बैंक जो RBI से लाइसेंस मिला है, RBI का ऑडिट हर 3 महीने में एक बार ऑडिट होता है। सर ओके, हिंदुस्तान के अंदर ये एक चीज़ मैं आपको बोल सकता हूँ कि कोई भी बैंक है उसको हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर जो हमारा रेगुलेटर है वो काफ़ी माइन्यूटली चेक करता है। ऐसा नहीं कि कोई भी मिस्टर ऋषि गुप्ता बॉम्बे, तो ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा कि कोई भी बैंक हिंदुस्तान में भाग नहीं सकता, वो RBI का उतना स्ट्रिक्टनेस है आज की डेट में। अगर आप देखेंगे जितने भी जितना भी घपले हुए हैं अगर आप देखेंगे वो सारे लोन्स की वजह से हुए हैं, और हमारा बैंक है वो लोन दे नहीं सकता, तो हम नहीं देते, हमें अलाउड ही नहीं है। बिल्कुल जी, नहीं 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 बिल्कुल, आप ये पूछिए और उल्टा अच्छा है, विल आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस नाउ। ट्राई सिटी में 70-80 मर्चेंट है हमारे, जी चंडीगढ़ 25 के करीब। जैसे हमने बताया कि हमारी ब्रांचेज तो है ही हैं, साथ में मर्चेंट पॉइंट्स भी हैं हमारे, उसके नियरेस्ट जो मर्चेंट पॉइंट होगा वहाँ पे वो जाएगा, अप्रोच करेगा खाते के लिए, और जस्ट मेरा जो मर्चेंट है हमारा खाता थ्रू आधार खुल जाता है, उनसे आधार नंबर मांगेंगे, मैं आधार नंबर डालूँगा, ऑथेंटिकेशन होगी कस्टमर की, डाटा फेच होगा और हाथों हाथ अकाउंट खुल जाएगा 15 मिनट। नाम नहीं होता, हमारी किट्स होती हैं, हमारे मर्चेंट पॉइंट्स पे किट्स पड़ी हुई हैं, डेबिट कार्ड की किट्स हैं, तो प्री रेगुलेटेड किट्स हैं ये कार्ड, ये किट। उसके बाद जैसे ही आधार नंबर डाला, ऑथेंटिकेशन हुई, हमारा आधार सर्वर से डाटा फेच हो जाएगा उनका, और हम लाइव फोटो लेंगे, और उसके बाद ये किट हम उनको हैंड ओवर कर देंगे, आफ्टर 15 मिनट्स ये किट एक्टिव हो जाएगी, 15 मिनट बाद हो जाएगी। हाँ जी। अच्छा, बाकी के बैंक दे रहे हैं, जैसे आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं डेबिट कार्ड को, हाँ जी, ATM को, ये भी कहीं, ये भी कहीं, ये भी किसी भी किसी भी सबके साथ हो भी जाएगा। हाँ हाँ, यस सर, वेरी नाइस। ये आप अगर आपको है ना, आप अपना खाता खुलवा के देख सकते हैं और 15 मिनट में आप जाके कहीं भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। करंट अकाउंट्स के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो करंट अकाउंट वाले भी हैं, तो इसे ओपन, यस यस, वी कैन ओपन द करंट अकाउंट। इसके लिए क्या गाइडलाइंस? गाइडलाइंस सिंपल है, देखिए हमारी गाइडलाइंस किसी बैंक से अलग नहीं है,
तो जो KYC एक नॉर्मल करंट अकाउंट के लिए चाहिए होता है वही चाहिए। मर्चेंडाइज को करनी पड़ेगी सारी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ वेरिफिकेशन तो कर नहीं सकता जाके? नहीं, किस चीज़ की वैल्यू? एक अगर जैसे करंट अकाउंट में, जैसे अगर आप एक सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट लगता है, आधार कार्ड। लेकिन जब आप करंट अकाउंट खोलते हैं तो आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे एक आधार कार्ड। करंट अकाउंट 15 मिनट में नहीं खोलते, करंट अकाउंट खोलने तो करंट अकाउंट के अंदर बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, जैसे उसकी शॉप का गमास्ता सर्टिफिकेट हो गया, या शॉप एंड सर्टिफिकेट हो गया, उसका पैन कार्ड हो गया, वो सब चीज़ें लगती हैं। तो उसमें फिर टाइम लगता है, उसी समय उसका पैसा डिपॉजिट होगा, उसी समय उसके मोबाइल पे SMS आएगा। अच्छा ये बताइए कि बेनिफिट वो किसी और बैंक के पास क्यों ना जाए और क्यों आपके पास आए? वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले हम जो उसका खाता है 15 मिनट में खोल देते हैं, सबसे बड़ी हम क्रेडिट कार्ड देते भी नहीं, हम डेबिट कार्ड देते हैं 15 मिनट में उसको क्रेडिट कार्ड खुल जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, अगर वो किसी और बैंक में खाता खोलता है तो उस वो जो अपना बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकता है वो सिर्फ बैंकिंग आवर्स में कर सकता है, भाई 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। हमारे मर्चेंट में वो सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 जब तक दुकान खुली है वो ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो उसे पैसे डालने हैं, पैसे निकालने हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन। सिक्योरिटी के लिए आप कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जितने भी हमारे डिवाइसेज हैं ये सारे के सारे डिवाइसेज हाईली सिक्योर्ड हैं, हाईली कंप्लाइंट हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे 1 लाख मर्चेंट्स हैं और इन 1 लाख मर्चेंट्स पिछले 2 साल से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो टचवुड अभी तक हमें कोई फ्रॉड का केस नहीं आया। सो That's itself is the thing कि already the network is quite secure. और दूसरी जो भी ट्रांजेक्शन है ना वो ऑथेंटिकेशन ड्यूअल ऑथेंटिकेशन है, हाँ जब यस और फिंगरप्रिंट के साथ अटैच है। जब तक दोनों चीज़ें नहीं होंगी तब तक ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होगी। तो आप निकलवाना भी जा रहे तब भी ये दोनों चीज़ें, हाँ बिल्कुल, उस मर्चेंट के पास डिवाइस होती है, डिवाइस होगी आपके फिंगरप्रिंट लेने की। यस दिखाओ डिवाइस, डिवाइस नहीं फिंगरप्रिंट। तो ये वाली डिवाइस होगी, अगर आपकी जो भी ट्रांजेक्शन है वो ड्यूअल ऑथेंट, अगर वो आदमी अपना आधार कार्ड देता है तो उसे अपना फिंगरप्रिंट यहाँ पे देना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन के लिए, अगर वो अपना ATM कार्ड देता है तो उसे पिन देना पड़ेगा। तो हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन कार्ड, इसमें दोनों स्लॉट्स हैं, ये है स्वाइप का स्लॉट, यहाँ से हम स्वाइप कर सकते हैं, और ये है हमारा चिप का स्लॉट। नहीं वो नहीं, वो NFC टेक्नोलॉजी है, वो अभी नहीं है, हमने इसमें डेवलप किया। ठीक है, हमारा पहला पर्पस है सिक्योरिटी। तो सारा कुछ वायरलेस है आपका? यस हाँ जी, वायरलेस। ये भी वायरलेस है? वायरलेस है और पेपरलेस है। जो हमारे बैंक की, जो आपने पूछा कि क्या खासियत है, पेपरलेस है। जो कस्टमर है रिसिप्ट मिलेगी, पेपरलेस की उसे कोई रिसीट भरनी, उसे कोई फॉर्म नहीं भरना। हाँ उसे कोई फॉर्म नहीं भरना, उसको वो आधार के थ्रू। अगर आपके पास आधार है और आपका जो खाता है आधार नंबर है, हम आपका आधार नंबर यहाँ पंजीन करेंगे, आपकी ऑथेंटिकेशन लेंगे इसके थ्रू, और आप पैसा निकलवा सकते हैं। सिर्फ आधार नंबर और अपनी फिंगर, वो बस आधार नंबर जो है वो जो पर्टिकुलर आपका बैंक है उसके साथ लिंक होना चाहिए। आपका अगर लिंक है मैं आज आपको पैसे निकाल सकता हूँ अभी? नहीं, किसी भी बैंक। जब सर कस्टमर आया मर्चेंट पॉइंट पे, वो कह रहा है मेरे पास डेबिट कार्ड नहीं है, मैं उसका विड्रॉल कर दूंगा, उसका बस मैं आधार नंबर मांगूंगा, आधार नंबर डालूंगा और पूछूंगा कौन सा बैंक में आपका आधार लिंक है, उसने बैंक नेम बताया, उसी समय मैं टाइप करके जो विड्रॉल अमाउंट करना है डालूंगा और आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू पैसा विड्रॉल कर। हिमाचल में ऑलरेडी अभी हमारी 3 ब्रांचेस हैं, 2 बद्दी में हैं, 1 कालाम में है, और हमारी हाँ जी अभी हमारी जो अगली ब्रांच है वो परवानू में खुल रही है। अब इसके बाद हम शिमला कांगड़ा साइड अपनी ब्रांचेस खोलने जा रहे हैं, मंडी कांगड़ा और शिमला चंबा। चंबा अभी हम मर्चेंट हैं कांगड़ा में, हमारे पास कुल्लू में भी मर्चेंट है, बट ब्रांच वो हमें देखना पड़ेगा कि सेंट्रली लोकेटेड किस लोकेशन में लें ताकि कस्टमर उसको अप्रोच इजीली कर सके और उसको कन्वीनियंस। तो दोबारा मुलाकात होगी आपसे जब आप दोबारा एक चंडीगढ़ में एक ब्रांच खोलेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू।